हाँ जी, तो कॉलेज की कहानी सुनाती हूँ। मेरी तीन दोस्त थी, शीतल, पूजा और रीना। हॉस्टल जाते इन्होंने बोला हम पियेंगे दारू, एंड आई डोंट ड्रिंक। मैं उनमें से हूँ जो चखना खत्म करते हैं और बाकियों की वीडियो बनाते हैं। वहाँ कोई वॉमिटिंग कर रहा होगा, उसका बूमरैंग बना लेंगे। क्यों, मेरा यही एंटरटेनमेंट है। मैं हूँ सिंगल। मैं एक बार इतनी अकेली हो गई थी, मैं खुद अपना नंबर पब्लिक टॉयलेट पे लिखाई थी कि किसी का फोन आ जाएगा। किसी का फोन नहीं आया। चार दिन बाद लड़की कॉल करी, आपका नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने मिटा दिया है। मैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वापिस लिख गया। मेरा यही एंटरटेनमेंट। मैंने कहा पियो, इन्होंने पी, दो सिप में आउट, फिर भी बोतल खत्म कर गई। पूजा मुझे बोल रही, वो देख लाफिंग बुद्धा का रंग उड़ गया। मैं कहा वो ओल्ड मॉन्क की खाली बोतल है। 10 मिनट बाद शीतल आई, कहती भूत बुलाएं। मैं क्या, बुला ले? ये कॉरिडोर में चलेगी भूत बुलाने? वहां खड़ी होकर वाल गारी, पापी गुड़िया। मैं कहती तेरी बुआ की लड़की है। कहती वीडियो ना बना, वीडियो में भूत नहीं आते। लॉजिक लगी हुई, हटी मेरी, पापी गुड़िया। सामने वाले कॉरिडोर से एक लड़की खड़ी होगी। वो बैठ के कर रही थी बॉयफ्रेंड से बात। उसने देखा कॉरिडोर में एक लड़की के बाल खुले, वो कर रही पापी गुड़िया। उसकी इतनी बुरी फटी, पहले उसकी आत्मा निकली उसके पीछे वो। चीखती हुई भागी है। मैंने शीतल को पकड़ के कमरे में डाला कि वार्डन ना उठ जाए। इतने में पूजा और रीना कमरे में नहीं है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई, मुझे पूजा भागती हुई नजर आ रही, आई स्पाइस आई स्पाइस। उसके पीछे रीना भाग रही, धप्पा धप्पा। इन दोनों के आगे फोन वाली भाग रही, ये कौन सी गेम है बैच? ये उसके पीछे पड़ी हुई। मैंने पूजा रीना को पकड़ा कि वार्डन आउट जाए, कमरे में डाला। शीतल नहीं है, शीतल फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, शीतल सेकंड फ्लोर पे नहीं है, शीतल ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में बस खड़ी है। इसे पता नहीं कौन स्टैचू कर गया। मैं कह रही हूँ चल पहले मुझे रिलीज करो। मैं कह रिलीज, चल जिसकी टर्न है वही करेगा। मैं कह मेरी टर्न है, चल रिलीज करती। मैं कह ओ शिट, बूमरैंग उल्टी सीधी होगी। मैं इसको लेके जा रही हूँ, इसने रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल कर दी। उसको बता रही हूँ हम सब ड्रंक हैं। इसे अगले दिन पता लगा फोन पापा को लगा हुआ था। उन्हें बता रही है हमने पापी गुड़िया बुलाई है बेबी। वो कह रहा तुमने बुलाई, मैंने भैजो पैदा कर ली। अगले दिन इसका सामान पैक है। मैंने कहा तू कहाँ जा रही है? घर। कहती नहीं, सीधा ससुराल। पापा ने फोन पे विदा कर दिया। मैंने सामने से अंकल आते देखे, मैं कहा तेरा बाबू ला गया बाय। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम।